इंडिया ने 156 का स्कोर जो बनाया, 156 बनाया है यहाँ पर 6 विकेट के नुकसान पे, और एक ही हीरो यहाँ पर कप्तान विराट कोहली। क्या पारी खेली है, बिल्कुल चाबुक पारी खेली है उन्होंने। और ये जो आप स्कोर देख रहे हैं 77 और 46, इतना मैं आपको बता दूं कि आई थिंक 29 बॉल्स में ये 28 पर ही थे सिर्फ, तो रन अ बॉल में जा रहे थे। उसके बाद अगली जो इन्होंने 16-17 गेंदे खेली हैं, अजय भाई पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया है मॉर्गन, सोच रहे होंगे हैं। बिल्कुल, एक यू नो गियर ही बदल देते हैं ना, यू नो आते हैं अपने अंदाज में शुरू करते हैं और फिर जब वो गियर बदलते हैं ना तो फिर रुकते ही नहीं है यू नो। और आज तो जो शॉटे मारी है ना, देखिए विराट कोहली की, मतलब हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की, फिर भी आपको रोज ना कुछ नया नया सरप्राइज, मतलब सरप्राइज तो नहीं, इनोवेशन देखने को मिलती है। जो मार्क वुड, जिसके वीरू ने कहा था ना कि आंकड़े पे मत जाना, कभी भी बदल जाते हैं आंकड़े, बदले ना उस ओवर में एक, वो 17 रन का जो ओवर है यू नो ऐसा चल रहा था उस वक्त तक, मार्क वुड जैसे यू नो सब पे भारी है, फिर उन्होंने अंदर ले जाके अपने बॉडी के अंदर लेके जो पुल एक मारा, तो फिर वो मार्क वुड के पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, फिर आगे डालनी पड़ती है, फिर वो आगे से उसने मारा। तो कहते हैं ना एक बार कई बार आप गेंदबाज के दिमाग में घुस जाते हैं, तो वो उन्होंने कर दिखाया और उनके पास क्षमता तो है ही, बिल्कुल तो कमाल के खिलाड़ी हैं, हम इतने सालों से इनको अप्रिशिएट करते रहते हैं, लेकिन खासियत इनकी यही है कि ये कहीं पे भी ना रुके नहीं है। आए थे चीकू, लेकिन अब चीकू शेक बना के पिलाते हैं और उसके साथ अब तो नई नई चीज भी इन्फ्यूज करने लगे हैं उसमें, चीकू से चाकू बन गए हैं चाकू। पर एक बात जो आपने बोली ना उससे मैं सहमत हूँ, आपने कहा वो गियर बदल देते हैं, अरे गियर तो गाड़ियां बदलती हैं, ये तो गाड़ी से प्लेन ही बन जाते हैं। 100 की स्ट्राइक रेट पहले 30 गेंदों की, फिर उसके बाद 300 की स्ट्राइक रेट वीरू, मतलब रॉकेट। लेकिन उस समय ये भी देखे ना कि आउट हो रहे थे, उस समय अपना टाइम भी लिया उन्होंने, 31 बॉल पे 32 रन थे और फिर 32 पे 38 और फिर 33 पे 46, ऐसे मतलब आगे चलते ही चले गए। तो ये चीज है जो यंग क्रिकेटर्स इनसे सीख सकते हैं, ईशान किशन, ऋषभ पंत, यही है कि अगर आपने 24 बॉल में 24 भी बनाए तो इंतजार कीजिए अपने बॉलरों का, या अंत तक खेलेंगे तो आपका स्ट्राइक रेट 200-250 का हो ही जाएगा। लेकिन कई खिलाड़ी क्या करते हैं, वो पहले ही पैनिक कर जाते हैं कि मैं 24 पे 24 हूँ और पैनिक करके अपना विकेट गवा देते हैं, लेकिन ये पैनिक नहीं करते क्योंकि इनको मालूम है कि अब ये 24-25 बोले जो इन्होंने खेल लिए सेट है, अब ये बॉलरों को आड़े हाथ लेंगे, अब ये अपने शॉट पिक करेंगे, अब ये अपनी क्रीज का इस्तेमाल करेंगे। और आज मैं हैरान था कि मैंने कभी देखा नहीं विराट कोहली को अपर कट मारते हुए, लेकिन आज जो थर्ड मैन ऊपर था और मार्क वुड को उन्होंने अपर कट मारा जो चौका गया, कमाल के इनोवेशन थे। इवन जो डीप पॉइंट को बीट करना, नॉर्मल लेंथ बॉल पे उन्होंने एक ड्राइव लगाया जिसको डीप पॉइंट को बीट किया 4 रन, तो वो बॉले पिक करते हैं बाद में कि वो मैं ये बॉले पे यहाँ यहाँ शॉट खेल सकता, तो शॉट सिलेक्शन सबसे बेहतर करते हैं विराट कोहली, और यही उनसे सीखने की बात। एक बात जो है, एबी डिविलियर्स को अपना बड़ा भाई मानते हैं ये और बैंगलोर में इतने साल एक साथ खेले हैं, आज बाकी टीम के कदम थोड़े डगमगा रहे थे पर इनके जो पैर थे आहा, क्या चल रहे थे अजय भाई आज, कभी ऑफ के बाहर, कभी लेग के बाहर, कभी आगे कभी पीछे, मतलब डिस्को डांसर की याद आ गई। वो तो वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा जब खेल रहा आदमी तो क्या करता है, तो वो फुटवर्क से आप यू नो एक कहावत है ना कि बॉल तो यू नो अगर गुड लेंथ पे गिर गई है तो गिर गई है, वो गुड लेंथ नाम की है, आपने अगर कदमों का इस्तेमाल कर लिया है तो उसको आप हाफ वॉली भी बना लेते हैं। तो इन्होंने वही दिखाया कि कोई लाइन पे गेंद आ रही है वो, लेकिन लाइन के इस तरफ ले लेते हैं उसको, तो फिर वो ऑन साइड पे हो जाती है, फिर जब उन्होंने इस तरफ मारना तो उसी गेंद को इस तरफ चले जाते हैं, तो वो फुटवर्क जो है उसने पूरा इस्तेमाल किया। यू नो डांस फ्लोर पे तो जा नहीं सकते आजकल, यू नो बबल में है, तो ये जो डांस फ्लोर पे आई थिंक की जो वीरू ने भी कहा आई थिंक की इनकी क्या है, ऐसा नहीं है कि वो आते ही इन्हीं गेंदबाजों को उतनी आराम से खेल रहे थे या उतने ही चौके छक्के मार रहे थे, जब क्वालिटी बॉलिंग होती है तो थोड़ा आपको वक्त लेना पड़ता है, और जब वक्त लेने फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अंदाजा हो जाता है पिच की हाइट का, पेस का, ये वो, और वो अंदाजा होने के बाद फिर जिसका आपने जिक्र किया कि फुटवर्क का ना फिर इस्तेमाल करके आप वो अपने पाले में ले आते हैं। यही फर्क है विराट कोहली में, कभी कभी खराब वो इसलिए भी लगते हैं कि अगर वो इतनी गेंदे खेल के आउट हो जाते, सपोज आज 31 गेंदों पे उन्होंने 32 रन बनाए थे और 32वीं गेंद पे आउट हो जाते तो 32 गेंदों पे 32 ही रह जाते,
लेकिन वो मौके बहुत कम आते हैं कि वो इतनी गेंदे खेलने के बाद आउट होकर चले जाते हैं। तो वो उस फॉर्म का फायदा उठाते हैं, सेट होने का फायदा उठाते हैं और अंत तक खेलते थे कि आज भी नॉट आउट आए हैं, आउट नहीं हुए, क्योंकि अंत तक खेलने से उन्हें ये मालूम था कि मेरी टीम का स्कोर जब वो 150 155 रहा तो मैं लड़ सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ मैच में, लेकिन अगर 125 रहा तो फिर मेरे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये एज अ प्लेयर, कप्तान तो छोड़ दीजिए, एज अ प्लेयर विराट कोहली की खास बात है कि वो छोड़ते नहीं है, कभी भी गिव अप नहीं करते।